बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत मेरी मजबूरी का साथ मेरे को मिल गया है, यानी बहुत टाइम पे साथ इससे सामान वामान लाऊंगा, दुकान पे थोड़ा आसानी हो जाएगी माल मटेरियल लाने के लिए। अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। बैग की कटाई करता बैठे बैठे, बैग की सीट कवर के बैठे बैठे कटाई करता। साइकिल मिल के कैसा लग रहा है? चंगा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। सर अभी तक तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये पहला ही ध्यान से। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बाहर का मालूम पड़ेगा। तो अभी तो ठीक है, थोड़ी तबीयत भी दिखाना था और इधर। बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके लिए हमारे लिए दुआई है। मैं जरी का काम करता हूँ, अभी साइकिल मिले तो बहुत मुझे बहुत फ़ायदा है, मुझे आने जाने में अब कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। पढ़ाई करता हूँ 12th स्टैंडर्ड इन साइंस, और अब ये साइकिल मिल गया तो और अच्छा है। लेकिन अपने ये साइकिल देखे जैसे हमें पंख लगा दिए, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपोंगों का जो गाड़ी मिली है बहुत ही मेरे को खुशी हुई है। आज का जो ये मेगा हेल्थ कैंप हो रहा है, मेरे हिसाब से एक नागपुर शहर के दृष्टि से और विदर्भ के दृष्टि से एक अभूतपूर्व ऐसा ये आयोजन है, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हेल्थ चेकअप कराना, ऑर्गेनाइज करना, और इतने हजारों लोगों ने रिस्पांस देना। मैंने सुना है करीब 60,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का रिस्पॉन्स है। 400-500 डॉक्टर्स की टीम यहाँ काम कर रही है। निश्चित रूप से डॉक्टर नितिन राउत जी ने खास करके पिछड़े हुए इलाके में, जहाँ उत्तर नागपुर में सही में हेल्थ के ऐसे कैंप्स की ज़रूरत है, तो लोगों के दृष्टि से मुझे लगता है इंसानियत का सेवा करने वाला एक बड़ा काम। नितिन राउत जी ने उत्तर नागपुर के लोगों के लिए आज यहाँ पर एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन करके निश्चित रूप से सोनिया जी के जो विचार हैं उसको साकार करने का काम डॉक्टर नितिन राउत जी के माध्यम से हो रहा है। हेल्थ इज वेल्थ, ये जो डॉक्टर नितिन जी राउत इन्होंने बताया है, और आदमी की मूलभूत गरज है अन्न वस्त्र निवारा, और आज दो गरज बढ़ गई है, एजुकेशन और आरोग्य। मागच्या वर्षी सुद्धा डॉक्टर नितिन राउत मेगा हेल्थ कैम्प हा पंचवटी नगरला झाला होता, आणि त्या कैम्प मध्ये जवळपास 26,000 लोकांनी रजिस्ट्रेशन केले होते, नोंदणी केली होती, त्या लोकांना त्याचा लाभ देण्यात आला, जवळपास 4,000 लोकांना मोफत चष्मे वाटण्यात आले, अनेक लोकांना त्या ठिकाणी मोफत औषध सुद्धा देण्यात आले। आणि या वर्षी हा हेल्थ कैम्प या इंदोरा येथील या मोठ्या ITI परिसरामध्ये होतो आहे, त्याचा स्केल त्याच्यापेक्षा मोठा या ठिकाणी करण्यात आला। मागच्या वेळेला आम्ही वेगवेगळ्या फार्मसींमधनं मोफत औषधांचा पुरवठा त्या ठिकाणी केला होता, अनेक लोकांनी या ठिकाणी आम्हाला मदत केली, एम्पथी फाउंडेशन असेल या ठिकाणी, हॉस्पिटल्स असतील नागपुरातली, केअर असेल, अशा प्रकारचे हॉस्पिटल्स आहेत, डॉग हॉस्पिटल, IGMC, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आणि या सर्वांनी या ठिकाणी आम्हाला मदत केलं। अनेक छोटे छोटे नर्सिंग होम्स आणि छोटे छोटे आमचे सहकारी मित्र आहेत, यांनी मोफतमध्ये ऑपरेशनसुद्धा या ठिकाणी केलेत, आणि त्याचप्रकारे यावेळेला सुद्धा ते होणार आहे। कैंप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, और जो सब मरीज हैं वो काफ़ी खुश हैं कि उनका अच्छा चेकअप हो रहा है, उनको मेडिसिन मिल रही है और उनका रोग निदान हो रहा है। आज का जो इवेंट है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने ऑर्गेनाइज किया है, और इनके जो मुख्य जो है ये है डॉक्टर नितिन जी राउत। इनका कम से कम 5वां साल है, और हर साल उनका जो जन्मदिन होता है जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो ऑर्गेनाइज करते हैं। 9th अक्टूबर उनका बर्थडे रहता है, लेकिन इस साल बारिश के कारण वो ग्राउंड वाउंड इसका सब प्रॉब्लम था, इसलिए फिर उन्होंने इस उपलक्ष्य में ये, और कम से कम आज 30,000 या 31,000 तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोग के मरीज़ हैं,
आँखों के मरीज हैं और जनरल मेडिसिन, लेडीज, ऑर्थोपेडिक्स, चर्म रोग, बाल रोग और एक नेत्र विभाग जो है, नेत्र विभाग, मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्पथी फाउंडेशन, इनके जो डॉक्टर्स हैं कम से कम 350 डॉक्टर्स हैं और नर्सेस हैं कम से कम 200 और पैरामेडिकोज हैं। लोक रांगेत लागून हड़बड़ीत नहीं, चुपचाप आरामात उभे राहून आणि वॉलेंटियर्स पुरेपूर भरपूर मेहनत करत आहेत की शिस्त मध्ये सगळ्यांना पेशंटला कुठलाही त्रास न होता त्यांना त्यांचं ज्या कामासाठी ते आले आहेत ते त्यांनी सेवा मिळत आहे आणि याच्यासाठी मला खूप आनंद वाटत आहे। इथं काम करण्यात मला खूप स्वतःला आनंद वाटत आहे। एवढं सगळं स्वरूप उभं करणं आणि एवढ्या साऱ्या पेशंट्सला एक सेवा देणं हे फार कठीण काम आहे, पण राऊत साहेबांनी आणि त्यांच्या समस्त कार्यकर्त्यांनी मंडळींनी एक चांगलं काम इथं त्यांनी आयोजित केलं आहे, त्याच्याबद्दल मी परत त्यांना एक आभार मानतो जनतेच्या तर्फे आणि शुभेच्छाही देतो। मैं हृदयरोग विशेषज्ञ हूँ, यहाँ पर कैंप के लिए मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं। बहुत अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया है, बहुत लोगों को इस कैंप का फ़ायदा मिलेगा, उनकी बीमारियों की जानकारी हो सकेगी और उन्हें ट्रीटमेंट करने में फ़ायदा होगा। करीब यहाँ पे हमने करीब 140-150 लोगों को देखा है, इसमें से कुछ पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं जिनको पहली बार ब्लड प्रेशर की जानकारी हुई है, कुछ मरीज ऐसे हैं जिन्हें पहली बार डायबिटीज़ के बारे में मालूम पड़ा, उसके पहले उन्हें डायबिटीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं थी। इन लोगों का यदि समय पर ट्रीटमेंट होता तो आगे जाके ये हार्ट के रोगों से बच सकेंगे। वैसे भी डेंटल हेल्थ अवेयरनेस लोगों में काफ़ी कम है, तो डेंटल हेल्थ अवेयरनेस होना चाहिए जिससे रेगुलर डेंटल की केयर लोगों में लेने की आदत होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए। ये भी हमारा एक उद्देश्य कैंप के साथ साथ रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों में रात को डेली ब्रश करके सोना चाहिए, हर खाने के बाद थोड़ा अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, नमक के पानी से खाने के सोडे से गार्गल करना चाहिए। इस प्रकार के छोटे छोटे टिप्स भी हम ये कैंप के द्वारा लोगों में प्रचारित करते हैं जिससे दांतों का लाइफ बढ़ता है। इसमें ऑल ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द स्केलिंग और रूट कैनल ट्रीटमेंट, वी आर डूइंग आरसीटी, इमरजेंसी ओपनिंग जो भी कोई पेशेंट है, और रेस्टोरेशन, सिल्वर अमलगम फिलिंग्स, ग्लास आइनोमस, ऑल दैट इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शंस भी कर रहे हैं हम लोग। आज दिन भर में हमने 50-60 एक्सट्रैक्शंस कर डाले, और उसके अलावा हम जो इंप्रेशंस है, प्राइमरी इम्प्रोस, जो किसी का अगर आरपीडी, एफपीडी या कंप्लीट डेंचर के जो पेशेंट्स हैं उनके हम लोग निकल इंप्रेशंस ले रहे, एटलीस्ट प्राइमरी इंप्रेशंस ले रहे। बच्चों का तो सबसे पहले बिल्कुल स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना है तो शुरुआत ही अपना जैसे स्वच्छता का उनको आदतें डालनी बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी या बीमारियां फैलती है तो वो है प्रदूषित पानी से। अगर आपके यहाँ पर का आने वाला पानी या आप उपयोग में लाने वाला पानी अगर शुद्ध है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको उबाल के ठंडा करके अगर पीते हैं तो बहुत सारी फैलने वाली बीमारियों से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। उसी तरह अभी ठंडी के दिनों हैं तो इस दिनों में वायरल इन्फेक्शंस, डायरिया, निमोनिया, अस्थमा, इन जैसी बीमारियां बढ़ जाती है, तो जिसको इस ऐसे अस्थमा वगैरह जैसी तकलीफ़ है उन लोगों ने शाम को अंधेरा होने के समय से पहले जो भी अपने काम करके वापस लौट जाना चाहिए ताकि ठंडी में आप एक्सपोज नहीं होना चाहिए। उसी तरह इस एरिया में काफ़ी सिकल सेल के भी पेशेंट है तो उनको अक्सर इस ठंडी के माहौल में पेन, जो जॉइंट पेन वगैरह वो बढ़ जाता है, तो उन्होंने खास करके एहतियात बरतना चाहिए कि ठंडी में पूरे फुल कपड़े, फुल पैंट, फुल शर्ट,
अपने मोज़े कान टोपी वगैरह पहन के ही बाहर जाना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए, ज़्यादातर के हो सके तो ठंडी में जाने का अवॉइड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैनिटेशन टू कीप द बेबीज हेल्दी, सेकंड है वैक्सीनेशन, वो करना चाहिए। अब अभी क्या हो रहा है कि डेंगू का बहुत सारा चल रहा है, तो जिस बच्चे को बहुत हाई ग्रेड फीवर है 103-104, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके जांच वाच करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नितिन जी राउतो साहब के और अन्य युवक लोगों के संयोजन में राउतो साहब के और अन्य युवक लोगों के संयोजन में आरोग्य शिविर को संयोजन किया गया है। अभी पंचशीला पहले आप लोग स्वीकार करें, बंते जी पहले बोलेंगे, उसके बाद आप लोग ने आवाज इकट्ठा कर पंचशीला को मानो, आवाज फकातों से एक आवाज में एक साथ पंक्तिज के बाद वंदना करें। शुरुआत करता हूँ, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, मानो आवाज नहीं तो चले, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। त्यानंतर माननीय विजय बाबू दर्डा यांना मी विनंती करते की ते कृपया दोन शब्द बोलतील। हा जो कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला हेल्थ कॅम्पचा, हा एक महान काम आहे। मी या पूर्ण कॅम्पला फिरून या कामाची पाहणी केली आणि माझं मन भरून आलं, आणि माझ्या मनामध्ये पहिला विचार आला की राजकारणामध्ये राहत असताना, लोकांच्या प्रश्नामध्ये हात घालत असताना, लोकांचे प्रश्न सोडवत असताना हे जे मानवतेचं काम आहे हे फार महत्त्वाचं, आणि हे डॉक्टर नितीन राऊत गेली 3 वर्ष सातत्याने करतायत, मला मनापासून त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे, कुणालचं अभिनंदन केलं पाहिजे आणि शुभेच्छा दिल्या पाहिजे। डॉक्टर साहेब, या मंचवर अनेक डॉक्टर बसलेले आहेत, काही प्रोफेशनल डॉक्टर्स आहेत, काही डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी आहेत, डॉक्टर नितीन राऊत आहेत, डॉक्टर विश्वजीत कदम आहेत, यांना एकच मला विनंती करायची आहे की महाराष्ट्र शासनाने जे त्यांचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आहेत, जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेले किंवा मेडिकल कॉलेजेस आहेत, त्याचा दर्जा कसा उंचावेल यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे।
आणि ज्या पद्धतीने मी पार्लिमेंटमध्ये सुद्धा सातत्याने ही गोष्ट मांडत असतो की लोकप्रतिनिधींना या सर्व हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट घेण्याची सक्ती केली पाहिजे, आणि जर त्यांना सक्ती केली आपण तर निश्चित हे जे हॉस्पिटल्स आहेत यांची कंडिशन चांगली राहील, हे अपग्रेड होतील आणि सर्वसामान्य लोकांना जे मिळायला पाहिजे ते त्याचा लाभ मिळेल असं मला वाटते. मी परत आपल्या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझे दोन शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय विदर्भ. धन्यवाद. आणि यानंतर इथे गरजू अपंगांना ट्रायसिकल वाटप करण्यात येत आहे. सर्व मान्यवर कृपया व्यासपीठाच्या समोर ट्रायसिकल्स ठेवलेल्या आहेत, त्यांची यादी मी इथे सांगते. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना ट्रायसिकल वाटप करण्यात येत आहे. मोहम्मद वकील मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद हफीज अन्सारी, मोहम्मद सलमान तर्फे अब्दुल हमीद अन्सारी, शंकर तुकाराम निमजे तर्फे ईश्वर घोराडकर, मनोज शर्मा तर्फे सतीश चौकसे. उपस्थित सर्व हजारोच्या संख्येने आजच्या समारोहासाठी कार्यक्रमासाठी आलेले या मेडिकल हेल्थ चेक कॅम्पसाठी आलेले सर्व नागरिक आणि बंधू भगिनी, सर्वप्रथम मी कुणालजी राऊत आणि उत्तर नागपूर यूथ काँग्रेसच्या आमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की आज 100 नव्हे 1000 नव्हे तर नागपूर शहरातील आणि आसपासच्या परिसरातील हजारोने जवळजवळ 25 ते 30 हजार लोकांना ज्या गोष्टीचा प्रचंड मोठा आयुष्यभर फायदा मिळेल असं आरोग्य तपासणी शिबिर या सर्व आमच्या यूथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आयोजित केलं. त्यात कुणाल जी राऊतांनी त्याचं नेतृत्व केलं त्याबद्दल कुणाल राऊत आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. मला मनापासून आनंद आहे की कुणाल राऊत आणि त्यांचे सर्व यूथ काँग्रेसचे सहकारी ह्यांनी हे कॅम्प आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आणि डॉक्टर नितीन राऊत साहेब जे नागपूर शहराचेच नव्हे तर महाराष्ट्राचे एक ज्येष्ठ नेते आहेत आणि एक राज्याचे वरिष्ठ मंत्री म्हणून आज राज्यामध्ये काम करत असताना आज जलसंधारण मंत्रालय असेल किंवा रोजगार हमी योजनेचे खात्याचे मंत्री असतील, मंत्री म्हणून त्यांनी जे सातत्याने या महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळात किंवा महाराष्ट्रातील यूथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना जे प्रोत्साहन प्रेरणा देण्याचं जे काम केलेलं आहे हे आम्ही फार महत्त्वाचं समजतो. आदरणीय डॉक्टर नितीन राऊत साहेब हे संघर्षातून तयार झालेले कार्यकर्ते आणि नेते आहेत आणि त्यांनी सातत्याने प्रत्यक्षपणे सर्वसामान्य लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून त्यांचं राजकीय आणि सामाजिक जीवनाचा प्रवास केलेला आहे. सर्वसामान्य लोकांची दुःखं काय आहेत, वेदना काय आहेत किंवा गरिबांना काय त्रास होतो हे खरं तर डॉक्टर नितीन राऊत सरांना मनापासून माहीत आहेत आणि म्हणून आज असे एक हेल्थ चेकअप कॅम्प या ठिकाणी ते आयोजित करतात. मी मगासपासून पाहत होतो की किती आपुलकीने स्वतः कुणाल राऊत आणि आदरणीय राऊत साहेब हे प्रत्येक त्या ठिकाणी हेल्थ कॅम्पमध्ये प्रत्येकाकडे जाऊन त्यांना आपुलकीने विचारपूस करत होते की तुम्हाला डॉक्टर भेटले का, तुम्ही डॉक्टरांनी विचारपूस तुमची व्यवस्थित केली का, आणि त्यानंतर पुन्हा इथे आलेल्या हजारो लोकांसाठी आज त्यांनी जे म्हणजे चहा पाण्याचा सुद्धा जो व्यवस्थित नियोजन केलेलं आहे त्याबद्दल कुणाल राऊत तुमचे आणि तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचे खरंच मनापासून अभिनंदन. आणि हे कार्य फार मोठं आहे, एक पुण्याचं काम. आदरणीय डॉक्टर नितीन राऊत साहेब हे गेल्या अनेक वर्षांपासून नागपूर शहरात आणि परिसरात या परिसरातील सर्वसामान्य लोकांसाठी गरिबांसाठी करतच आहेत, पण आज कुणाल राऊत तीच परंपरा तुम्ही पुढे कायम ठेवताय ह्याचा मनापासून आनंद आणि अभिमान मला या ठिकाणी मनापासून वाटतो की आज तुम्ही हे संयोजन केलं आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं संयोजन म्हणजे सगळ्या लोकांना इथे निवांत बसता येईल, वेळेनुसार आपले आरोग्य तपासणी करता येईल, इथे चहा पाण्याची व्यवस्था सुद्धा आपण केली आहे, म्हणजे दिवसभर आलेल्या लांबून माणसाची सुद्धा कशी काळजी घ्यायची हे सुद्धा आपण या ठिकाणी बारकाईने पाहिलेलं आहे आणि हे खरं तर नियोजन हे फार ह्याला महत्त्व दिलं जातं. त्याचबरोबर आज ह्या आपल्या काही विशेष लोकांसाठी आपण ज्या सायकली या ठिकाणी वाटप केल्या त्याबद्दल सुद्धा कुणालजी तुमच्या आणि तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आदरणीय राऊत साहेबांना एवढंच सांगेल की मागासपासून असे म्हणत होते की राऊत साहेब की आम्ही आता सगळं यूथ काँग्रेसच्या मुलांना आम्ही पुढाकार दिलंय की हे सगळं चालवायला पुढे न्यायला. राऊत साहेब मला वाटतं तुमचं मार्गदर्शन आम्हाला वेळोवेळी मिळतं आणि म्हणून यूथ काँग्रेसचे आम्ही सगळे कार्यकर्ते आज या ठिकाणी ह्या सगळे उपक्रम चांगल्या पद्धतीने करू शकतो आणि म्हणून मी आपलं मनापासून आभार मानेन. हे हेल्थ कॅम्प अत्यंत भव्यदिव्य हेल्थ कॅम्प आहे आणि ह्याची पुण्याई आयुष्यभर आपल्या कुटुंबाला लाभणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने जी शिकवण आपल्या धर्मामध्ये आपल्या संस्कृतीमध्ये आहे
ती आपण प्रत्यक्षपणे समाजामध्ये काम करताना अंमलात आणताय हे महत्त्वाचं आहे. कारण धर्माच्या ह्याच्यावर किंवा संस्कृतीवर आपल्या परंपरेवर बोलणारी बरीच मंडळी असतात, पण प्रत्यक्षपणे कृतीमध्ये आणणारी राऊतसाहेब आपण आणि कुणाल आपण आहात. तुमच्याबरोबर काम करणारी सगळी मंडळी आहेत, त्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. या कार्यक्रमाची संकल्पना महासचिव नागपूर शहर युवक काँग्रेस श्री पवित्र वासनिक आपल्याला सांगतील अशी मी त्यांना विनंती करते. मागील काही वर्षापासून आमचे लाडके युवा नेते महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे महासचिव श्री कुणालदादा राऊत यांची संकल्पना व कॅप्टन दीक्षाताई राऊत यांच्या संयोजनातून उत्तर नागपूरमध्ये अशा प्रकारच्या निःशुल्क मेगा हेल्थ कॅम्पचे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयोजन करण्यात येत आहे. या आयोजनामागचा आमचे नेते आदरणीय डॉक्टर नितीनजी राऊतसाहेब यांचा उद्देश हाच आहे की उत्तर नागपुरातील जनतेला एका छताखाली शहरातील नामवंत व तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा व मार्गदर्शन विविध रोगावर निःशुल्क व उपलब्ध व्हावे व त्यांचा उपचार व्हावा. पूर्वी अशा प्रकारचे आयोजन छोट्या प्रमाणावर नागपूरच्या काही ठराविक भागामध्ये होत असत, परंतु आदरणीय डॉक्टर नितीनजी राऊतसाहेब यांच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नागपूर शहरामध्ये प्रथमच हे उत्तर नागपूरमध्ये सुद्धा व्हायला लागले. उत्तर नागपुरातील जनतेला सुद्धा या हेल्थ कॅम्पचा मोठा लाभ मिळत आहे, जनतेकडून सुद्धा याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे व त्यामुळे जनता खूप समाधानी व आनंद आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहरामध्ये उत्तर नागपूर हेच उत्तम नागपूर हे घोषवाक्य सर्वांच्या ओठी ऐकायला मिळत आहे. आम्हा युवकांना नेहमीच आदरणीय डॉक्टर नितीनजी राऊतसाहेबांकडून समाजसेवेची प्रेरणा मिळत असते, म्हणून 2009 साली नेत्ररोग चिकित्सा शिबिर आयकॅमच्या माध्यमातून याची सुरुवात करण्यात आली, ज्यामध्ये हजारोच्या संख्येने लोकांनी स्वास्थ्यलाभ घेतला. यावर्षी उत्तर नागपूरच्या काही भागामध्ये अतिवृष्टीमुळे भरपूर नुकसान झाले. या नुकसानग्रस्त भागामध्ये आदरणीय डॉक्टर नितीनजी राऊतसाहेबांच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई व मदत पोहोचवण्याचे कार्यही उत्तर नागपूर युवक काँग्रेसने प्रामाणिकपणे पार पाडले. आजच्या दिवशी आम्ही युवक काँग्रेसच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी संकल्प घेतलेला आहे की आमच्या वयोवृद्ध वडिलांची सेवा करण्यासाठी डॉक्टर राऊतसाहेबांच्या माध्यमातून सिनियर सिटीजन सेंटरचे निर्माण. पारिवारिक रिश्ते स्थापित करके जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति, जब कोई प्रतिनिधि सामने आता है. आम्ही युवक काँग्रेसच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी संकल्प घेतलेला आहे की आमच्या वयोवृद्ध वडिलांची सेवा करण्यासाठी डॉक्टर राऊतसाहेबांच्या माध्यमातून सिनियर सिटीजन सेंटरचे निर्माण आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करू व गोरगरीबांपर्यंत, झोपडपट्ट्यांपर्यंत, गरीब वस्त्यांपर्यंत विविध सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवण्याचे प्रामाणिक कार्य आम्ही करत राहू. युवक काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते करत राहतील. आजच्या या भव्य मेगा हेल्थ कॅम्पमध्ये रुग्णांना कुठलाही त्रास होणार नाही याची सर्व काळजी घेण्यात आलेली आहे. 350 डॉक्टर्स व 200 नर्सेसच्या सेवा या ठिकाणी प्रदान करण्यात येणार आहेत. निःशुल्क औषधी वाटप, निःशुल्क चष्मे वाटप व आताच काही वेळापूर्वी अपंग गरजू व्यक्तींना ट्रायसायकलचे सुद्धा वाटप करण्यात आलेले आहे. या हेल्थ कॅम्पनंतर नियोजन करून काही गरजू व्यक्तींचे मोतियाबिंदूचे ऑपरेशनसुद्धा करण्याचे या ठिकाणी प्रायोजिलेले आहे. या भव्य शिबिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे जवळपास सर्वच आधारावर नेत्ररोग, हृदयरोग, डायबिटीज, पोटाचे विकार, किडनीचे विकार सर्वच रोगावरती या ठिकाणी उपचार होणार आहेत. तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन या ठिकाणी लाभणार आहे. 19 प्रकारचे वेगवेगळे विभाग व त्यासाठी 41 कॅबिन या ठिकाणी उभारण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक रुग्णाची तपासणी झाल्यावर त्याच ठिकाणी औषधी मिळेल. भाईओ, बहनो और नौजवान दोस्तों, पिछले वर्ष के शिविर में भी मैं उपस्थित हुआ था और इस साल भी इस मेगा हेल्थ कैंप में मैं हाजिर हूँ. डॉक्टर नितिन राउत का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है. उत्तर नागपुर के हमारे सभी प्रतिष्ठित नागरिक बंधुओं को, सभी माताओं बहनों को, उनके बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाना और एक ही जगह पर उनका
बीमारी का विश्लेषण करके फ्री मेडिसिन ऑपरेशंस मेडिकल वैन में उनके उपचार की व्यवस्था 300-400 डॉक्टर्स को लाना और हजारों लोगों का एट ए टाइम उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करना ये कल्पना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सोचना आसान होता है पर कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां होती हैं ये हम लोगों को मालूम है। इतना बड़ा कैंप ये दूसरी बार उनके जन्मदिन के उपलक्ष में पिछले बार भी आयोजित हुआ और ये पिछले 5 सालों से ये कैंप इसी ढंग से चल रहा है। आमदार से लोगों की अपेक्षा होती है मिनिस्टर से अपेक्षा होती है कि वो हमारे रोड बनाए हमारे यहाँ विकास के काम करे हमारी बस्तियों में सुविधा दे ये अपेक्षा लोक प्रतिनिधि से आमदार से मंत्री से पब्लिक की होती है। पर मेरी आँख का चश्मा मुझे चाहिए या मेरी आँख का ऑपरेशन करना है मेरे हार्ट का बीमारी है जो डॉक्टर को दिखाना है ये अपेक्षा पब्लिक की उसके बेटे से पति से और पिता से होती है और उनके हेल्थ का स्वास्थ्य का केयर लेने का काम एक बेटे के रूप में एक भाई के रूप में एक पिता के रूप में पारिवारिक रिश्ते स्थापित करके जब कोई इंसान जब कोई व्यक्ति जब कोई प्रतिनिधि सामने आता है तो वो राजनीतिक रिश्ते नहीं रहते पारिवारिक रिश्ते हो जाते हैं और वो नितिन राउत जी इस उत्तर नागपुर में स्थापित कर रहे हैं। ये आमदार का या मंत्री का काम नहीं है धर्मों के बड़े बड़े उपदेश होते हैं बड़े बड़े कैंप लगते हैं पर सच्ची सेवा जब किसी एक गरीब व्यक्ति का इलाज यहां से होके जाए एक आदमी को साइकिल मिलेगी एक अपंग व्यक्ति को ट्राई साइकिल देना उसके जीवन में क्या मोड़ आता है इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसका बेटा ख्याल नहीं दे रहा है उसकी आंखें खराब हो रही हैं उस हमारी काकू की या बुढ़ी माँ की और उसकी अगर टाइम के ऊपर आंखें बनवा दी जाएं उसके जब आंखों का जब इलाज हो जाता है उसकी आंखें खराब होने से बचती हैं टाइम पे उसके हार्ट की बीमारी का पता लग जाए और उसका इलाज हो जाए अगर एक व्यक्ति की भी जान बचे और उसका आशीर्वाद मिले एक गरीब व्यक्ति की दुआ 7 हाथी की ताकत इंसान में पैदा करती है। एक गरीब आदमी अगर आशीर्वाद दे उससे जो शक्ति मिलती है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा एक पवित्र इंसानियत का काम इंसानियत की सेवा डॉक्टर नितिन राउत के माध्यम से इस उत्तर नागपुर में इस मेगा कैंप के माध्यम से हो रही जहां हजारों लोगों की दुआ हजारों लोगों का आशीर्वाद हजारों लोगों की शुभेच्छा जीवन में जब मिलती है तभी व्यक्ति यश की ओर बढ़ता है यशस्वी होता है उसका जीवन सार्थक होता है और उसके जीवन का कुछ अर्थ साबित होता है
वो काम डॉक्टर राउत जी के माध्यम से हो रहा है। इसलिए आपकी तरफ से, मेरी ओर से, मैं उनका बहुत बहुत इस कैंप के लिए अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद माननीय डॉक्टर सतीश बाबू चतुर्वेदी जी। माणसांच्या मध्यरात्री हिंडणाऱ्या या सूर्याने आता या कार्यक्रमाच्या संकल्पनेवर प्रकाश टाकावे अशी मी त्यांना विनंती करते। माननीय नामदार डॉक्टर नितीनजी राऊत अध्यक्षीय भाषण करतील अशी त्यांना विनंती। सर्वांचं या ठिकाणी अभिनंदन करू इच्छेन की आपण एक चांगला असा कार्यक्रम, जो कार्यक्रम उत्तर नागपुरातील झोपडपट्टी भागामध्ये राहणाऱ्या गोरगरिबांसाठी, हातमजुरी करणाऱ्या मूल मजुरांसाठी, वृद्ध नागरिकांसाठी अत्यंत आवश्यक होता, त्या समारोहाचं उत्कृष्टपणे या ठिकाणी आपण नियोजन केलं। आणि आज मी बघतो इथं आलेल्या बांधवांच्या चेहऱ्यावर कुठेतरी त्यांच्या आजारपणाची उदासीनता जरी असली तरी थोडंफार स्मित हास्यसुद्धा त्यांच्या चेहऱ्यावर आज मला या ठिकाणी दिसत आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये पावसाळ्यामध्ये अतिवृष्टी झाली आणि आज सर्वत्र घाणीमुळे नागपूर शहरामध्ये डेंगूनी हैदोस माजवला आहे। जिकडे पाहिलं तिकडे मच्छर फिरताना दिसतात। महानगरपालिकेने ज्या पद्धतीनं यावर मात करायला पाहिजेल होती, ज्या पद्धतीनं डासांवरती नियंत्रण करायला पाहिजे होतं, ते न झाल्यामुळं अनेक लोकांना या आजाराचा त्रास सहन करावा लागत आहे। अनेक लोकांना आर्थिकदृष्ट्या औषधं परवडणारी नाहीत अशी सुद्धा मंडळी या ठिकाणी आज आलेलं आहे। एक प्रकारचं जनजीवन या ठिकाणी उद्ध्वस्त झाल्यासारखं चित्र, विस्कळीत झाल्यासारखं चित्र या ठिकाणी बघायला मिळतं। आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये मोफत नेत्र तपासणी होईल। 1 डिसेंबरला प्रत्येकांना त्यांचे चष्मे या ठिकाणून वाटप केले जातील। मोफत औषधांचं वाटप या ठिकाणी होत आहे। 14 नोव्हेंबरला डॉक्टर महात्मेंच्या हॉस्पिटलमध्ये मोतियाबिंदूंचे ऑपरेशनसुद्धा या ठिकाणी होतील आणि काही ऑर्थोपेडिकचे ऑपरेशन्स आमचे डॉक्टर बंधू या ठिकाणी करतात आणि तेसुद्धा मोफत या ठिकाणी करतात। डॉक्टर शंकर खोबरागडे आणि त्यांची टीम ही या सगळ्या कामासाठी लागलेली आहे। पॅथॉलॉजींची टीम या ठिकाणी लागलेली आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे लोकसुद्धा या ठिकाणी लागलेत। तद्वतच या ठिकाणी केअर हॉस्पिटलचे लोक, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, डागा हॉस्पिटल या तमाम ठिकाणचे डॉक्टर्स, जवळपास 300 ते 400 डॉक्टर्स या ठिकाणी आज काम करतायत। तेवढाच मोठा स्टाफ या ठिकाणी काम करतो आहे। आमचे युवक काँग्रेसचे व्हॉलेंटियर्स, ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे व्हॉलेंटियर्स या ठिकाणी काम करतायत। मी त्या सर्वांना पुन्हा या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि जाता जाता एवढंच सांगेन की उनके आने से आती है चेहरे पे रौनक, लोक समजते है बीमार का हाल अच्छा है। आणि याच शब्दांमध्ये आपल्या सर्वांच्या उत्कृष्ट आरोग्यासाठी, आपलं आरोग्य सुदृढ राहो, आपण दिवसेंदिवस प्रगती करो आणि माझे विचार या ठिकाणी आटोपतो। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। क्रॉनिक अल्सर है, नॉन हीलिंग अल्सर है मुँह में, क्रॉनिक स्मोकर है ये, इनकी बायोप्सी करना जरूरी है। बायोप्सी के बाद में इनका डायग्नोसिस होगा, बहुत ही जरूरी है। उसके साथ में इनको काउंसिलिंग भी चाहिए, साइकोथेरेपी चाहिए।
उसके अलावा ये नहीं छोड़ नहीं सकेंगे स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं छोड़ सकेंगे तो बीमारी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे हम लोगों ने बूथ तो लगाया है पैप स्मियर के लिए या गायनक पेशेंट के लिए, लेकिन चेकअप करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी कि यहाँ पे, और प्राइवेसी भी नहीं है, इसीलिए कोई भी पेशेंट का हम लोगों ने पीवी एग्जामिनेशन नहीं किया। पेशेंट तो बहुत आए कंप्लेंट लेके, सस्पेक्टेड भी लगे बहुत पेशेंट ऐसे, लेकिन हम लोग कन्फर्म नहीं कर पाए और कोई भी स्लाइड नहीं ले पाए, इसीलिए बस सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देके भेज दिया हम लोगों ने और रेफर कर दिया। यहाँ पेशेंट तो काफ़ी है औरतों को, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस ऐसे कैंप्स में एग्जामिन करना बहुत मुश्किल है, प्राइवेसी होनी चाहिए गायनिक के अंदर। सो ऐसे कैंप्स अगर गायनिक के लिए अगर अरेंज करने हैं तो थोड़ा सेपरेटली उसके एक रूम और एक अच्छे से, तो ताकि हम बहुत से सारे जो पेशेंट है उनको न्याय दे सके, निदान जल्दी होना है। अभी डॉक्टर कामे का शायद लेक्चर शुरू है और वो हमें बता रहे हैं लोगों को कि निदान बहुत ज़रूरी है। एक सबसे नागपुर में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज़्यादा है, सेकेंड सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय मुख का कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा है। हर 7 मिनट में एक महिला हमारे यहाँ देश में एक मरती है इस कैंसर से, तो इसका निदान होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ कदम इस ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं इन्होंने कुछ कदम उठाने चाहिए और उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। कैंप तो बहुत बढ़िया रहा, कम से कम 150 से 200 पेशेंट देखा है हम लोग ने अभी, और अच्छा रहा, काफ़ी फायदेमंद था ये कैंप पेशेंटों के लिए। और जैसे मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, एनाल्जेसिक सारी ही चीज़ उपलब्ध है। यहाँ पे एक्जिमा और विटिलिगो मतलब जो कोड जो बोलते सफ़ेद दाग, और ये पिंपल्स वगैरह कॉस्मेटिक, ये सब सबसे ज़्यादा ये वही धूप से बचने के लिए, धूप से ज़्यादातर ये होता है इन्फेक्शन या एलर्जी, वैसे वो प्रिकॉशन या कुछ, या गलत इस्तेमाल करके कोई क्रीम्स अपने मन से मत लगाइए। बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन रिलेटेड, या तो मतलब जिनको जॉइंट्स में, बोन्स में प्रॉब्लम है, स्पाइन में लो बैक पेन, नेक पेन, उस पेशेंट सबसे पहले तो वजन कम रखना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स है वो उसी कारण से होते हैं, ठीक है। तो आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे आप, तो आपको स्पाइन और जॉइंट्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगे। लोगों को लेना चाहिए कि वो अपनी डाइट्स में थोड़ा सा देखें, ओवरवेट्स ना करें, डाइटिक कंट्रोल, जो अभी चाइनीज़ फूड वगैरह जंक फूड्स का जो अभी प्रचलन है उस चीज़ को हमें कम करना चाहिए, और काफ़ी हद तक जो पैरासीटामोल्स वाली टैबलेट्स हैं उन चीज़ को रोकना चाहिए। डाइक्नोफिलिक टैबलेट्स लेनी चाहिए टाइम टाइम पर, एक बार औरतों को कंसल्ट करना चाहिए, एक्सरे निकलवाना चाहिए। हमारे मन से जो हम लोग टैबलेट्स लेते हैं जो कि दर्द होता है, और हम लोग एक डाइक्नोफिलिक टैबलेट ले लेते हैं, उसकी जगह हमको ऑर्थो पर कंसल्टेंट लेना चाहिए, एक बार कंसल्टेंट से लेना चाहिए एक बार ओपिनियन उनका कि क्या हो रहा है हमें, बेसिकली व्हाट्स द फाइंडिंग ओवर दैट बॉडीज़, सो वी आर गोइंग टू सर्च ओवर दैट ऑल, कि एक बार टेस्ट लेने चाहिए, उसके बाद ही हमको किसी डिसीजंस पे टैबलेट्स लेनी चाहिए। यहाँ पे भी कान बह रहा है, कान बंद है, सर्दी, सर दर्द, गले में दर्द। ये जो हम लोग ये जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, ये है एबिट। अगर आपके यहाँ कूलर है, कोई टाका है, कोई सेंटेक्स है, उसमें अगर अड़ी हो गई है 8 दिन 15 दिन आपने टाका नहीं धोया, तो उसमें ये 2-3 बूंद हम लोग छोड़ देते हैं कूलर के अंदर में खास करके,
और नहीं तो उसका एक उपयोग यह है कि अगर आपके यहाँ 15 दिन आपको पानी जमा रखना है तो आप थोड़ा मिट्टी का तेल डाल के उसके अंदर में थोड़ा ऊपर नीचे पानी कर लीजिए, आप 15 दिन तक के पानी रखेंगे उसका, उसके बाद में आपके यहाँ वो आड़ी पैदा नहीं होगी। ये जो क्यूलस की जो बात है, इसके अंदर में हम लोग ये MLO ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल मार के गड्ढे में पानी जमा है बाहर में, बाहरी एरिया में, आउटफील्ड के अंदर में, वहाँ पर डाल के इसको औषधि मार के फिर ये ऑयल मारते हैं, तो उससे वो ऑयल जो पूरा फैल जाता है, फैलने बाद और जो उसका लार्वा है नीचे रहने वाला जो है, उसको सांस लेने को जगह नहीं मिलती, वो उसमें उसका एंड हो जाता है। हाँ, ये एडिस का मच्छर है, इसके पैर पर रिंकल रहते हैं ऐसे राउंड वाले, तो उससे अपने को समझता है कि ये एडिस का मच्छर है करके, और ये एडिस का मच्छर दिन में ही काटता है, ये इसकी खासियत है। और वो अच्छे पानी में अंडे देता है ज़्यादा करके, साफ पानी में। क्यूलक्स का मच्छर है, इसमें क्या है, ये गंदे पानी में अंडे देता है ज़्यादा करके, और इससे हत्तीपाव होता है पैर पर। हाँ, इसका ये ब्लैक कलर का रहता है और इसका साइज बड़ा रहता है थोड़ा, इसको गप्पी फिश बोलते हैं, और ये जो लार्वा रहते हैं मच्छर के वो खाते हैं ये। तो ये कुएं में हो गया, यहाँ कहीं अभी पानी रहा एकदम कंटिन्यू जमा रहा, उसमें हम लोग छोड़ते हैं ये, यानी हाँ हाँ, यानी दवाई का यानी कम वापर होता है। मलेरिया डिपार्टमेंट को MC कडून हा प्रोग्राम राबवला जाता है, ज्याच्यामध्ये आमच्याकडे आता सध्या मलेरियाचे तापाचे 18 लोक झालेत। सिकल सेल का कैंप है, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को सिकल सेल है या नहीं, और अगर सॉल्युबिलिटी टेस्ट उनकी पॉजिटिव आती है तो फिर पैटर्न के लिए हमने उनका सैंपल लिया है, और वो एनालिसिस के लिए फिर हमने उनको मेयो में बुलाया है। डायबिटीज़ कैंप था, है ना, अपन ने डायबिटीज़ चेकअप की है, उसमें करीब 450 लोगों का डायबिटीज़ चेकअप हुआ है, और ECG जो है 250 लोगों का हुआ है। डायबिटिक पेशेंट काफ़ी ज़्यादा मिले हैं हम लोगों को, मतलब मोर देन आप ये समझिए कि 90% जितने अभी हम लोगों ने ट्रीट किया है, मतलब देखा है, चेकअप किया है, उसमें 90% लोग जो है डायबिटिक थे, और चूँकि डायबिटिक का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो उस लोग जो डायबिटिक पेशेंट है जनरली मोस्टली वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पे शुगर चेकअप हो रहे हैं, और ब्लड BP और ECG। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और ब्रोंकियल अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़, और माइल्जिया, और सर दर्द, बॉडी एक, बदन दर्द, तो काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे सबेरे से पेशेंट हमने आया हुआ, एग्जामिन मोर देन 100 पेशेंट आल्सो, सो दिस कैंप इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द पुअर पेशेंट्स हेल्थ, एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट इज आल्सो नेसेसरी फॉर दिस। एज फार एज प्रिवेंटिव डिसीज आर कंसर्न, तो बहुत सारे प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिशन अच्छा लेना चाहिए, पीने के लिए पानी एकदम शुद्ध होना चाहिए, और जो बस्ती में जो ड्रेनेज सिस्टम वो इट वेरी मच नेसेसरी, बिकॉज द मॉस्किटोज आर ब्रीड व्हेन देर इज़ ए डर्टी एटमॉस्फियर, तो इसलिए बहुत ही केयर लेना चाहिए, और ये हेल्थ चेकअप के वजह से जन जागृति ऐसी बहुत ज़्यादा होने वाली है, so that this camp is very much essential for the life of the society.
लगा। हाँ, सबके लिए है तो अच्छा लगा, सब आते हैं, अच्छा लगा सबको। घर में बोल रहे थे लोग, तू इधर कहाँ जा रही है? मैं बोला मैं जाऊंगी, इसमें मेरा विश्वास है। हाथ पाए दुखते, टोंगरे दुखते। अच्छा। चांगल होतो। आँख में दर्द होता है और सर में भी दर्द होता है, तो उसके लिए और डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोले कि स्पेशल डॉक्टर है आँख की जांच करने का, उनको बताओ, यानी यहीं पे बताए वहाँ पे। हाँ, बोले 16 नंबर में डॉक्टर साहब हैं, वहाँ पे जांच करा लो आँख के। जी हाँ, 16 नंबर जा रहे हैं। मैं यहाँ ECG के लिए आया था और आने हृदय रोग के लिए, तो मैंने आने दोनों जगह चेक किया और पेट विकार के लिए, तो दोनों जगह रिजल्ट अच्छा रहा, उन्हें दवाई वगैरह लिख कर दी। ये बच्चे को थोड़ा सा ये दाग हो गया है पीठ पे, उसे दिखाने के लिए आए थे। हाँ, डॉक्टर ने कहा कि वो जन्म से होगा करके, इसलिए इसका दवाई करना जरूरी नहीं है करके, या फिर एक साल तक ये ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आप दवाई कर सकते हैं। 2 महीने का बच्चा। ये बच्चे के लिए आए थे, इसको दमे की शिकायत थी, उसके लिए आए थे डॉक्टर। दिए तो दवाई दिए यहाँ से, धीरे धीरे बोले एक साल लेंगे कम होते आएंगे बोले, और हम अपने आँख का दिखाने आए थे। ये स्किन के वजह से आँख की तकलीफ परेशानी, सर में दर्द रहना बहुत। डॉक्टर ने ये दवाई दे दी है बस। हाँ, और चश्मे के लिए 1 तारीख को बुलाए।